हेलो दोस्तों, तो मैं दीपक रावत आपका द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारी क्लासेस डेली अपलोड होती हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है आपका, पाइप एंड सिस्टर्न। और जिसकी आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी फोर्थ क्लास रहेगी। तीन क्लास इसकी हो चुकी हैं और आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन हैं, बेटे क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, एक टैंक को पाइप ए द्वारा 2 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। कि एक टैंक दे रखा है जिसमें हमारे दो पाइप लगे हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ए 2 घंटे में भर देता है और बी 6 घंटे में भर देता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया और पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला जाता है। कंडीशन है बेटे कि पाइप ए को हमें 10 बजे चलाना है और पाइप बी को 11 बजे चलाना है, तो बताना है कि टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। ऑप्शन है बेटे 12:45, बेटे एएम नहीं आएगा, ये पीएम रहेगा, ठीक है। 11:45 AM, 5 PM या 12 PM, वैसे ऑप्शन में हो सकता है एएम, ठीक है ना, लेकिन आंसर की बात करेंगे जब एक अलग बात हो सकती है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो बेटे पाइप ए भरता है 2 घंटे में और पाइप बी भरता है हमारा 6 घंटे में। पाइप ए 2 में, पाइप बी 6 में। तो बेटे 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, जो 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे 3, 6 से भाग करेंगे 1, दोनों भरने का काम करते हैं तो दोनों की क्षमता बेटे प्लस में रहेगी। तो नल ए की क्षमता 3 है और नल बी की क्षमता 1। अब कंडीशन है कि पाइप ए को हमें चलाना है 10 बजे और पाइप बी को चलाना है बेटे 11 बजे। पाइप ए को 10 बजे, पाइप बी को 11 बजे। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो नल ए है, पाइप ए है, वह बी से 1 घंटे पहले चला है, क्योंकि तो इसका टाइम बेटे 10 बजे का है और इसका कितना है, 11 का। तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 घंटे का। कि नल ए बी की तुलना में 1 घंटे पहले चला है। यदि 1 घंटे पहले चला है तो 1 घंटे में पानी भी भरेगा और नल ए 1 घंटे में कितना पानी भरता है बेटे, 3। तो बेटे टंकी कितनी खाली बचेगी, अब 3 बचेगी। कि टंकी में टोटल पानी आता है 6 इकाई, लेकिन नल ए ने 1 घंटे में उसमें कितना पानी भर दिया, 3। तो खाली कितनी है, 3। तो घड़ी में टाइम कितना हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। जब 11 बज जाएंगे तो हम दूसरे नल को भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दोनों नल अब एक साथ स्टार्ट हैं। जब दोनों एक साथ स्टार्ट हैं तो दोनों की क्षमता क्या आएगी बेटे, 4 आएगी। अब समय निकालेंगे टाइम, तो बेटे 3 बटे में कितना आएगा, 4, क्योंकि तो टंकी कितनी खाली है, 3, और दोनों की क्षमता बेटे 4। तो 3/4 आवर में आएगा, मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू में 60, 4 से भाग कर देंगे 15, 15 तिया 45 मिनट। तो बेटे टंकी को भरने में 45 मिनट और लगेंगे। अब आपका जो टाइम निकल के आता है, इस टाइम को आप सबसे लास्ट वाला जो टाइम है नल बी का उसमें जोड़ देंगे। तो बेटे 45 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11:45 AM। तो 11:45 पर हमारी टंकी भर जाएगी। हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगेन फिर से कि लास्ट में जो हमारा टाइम निकल के आता है उसे आप लास्ट वाले टाइम में जोड़ देंगे, जो सबसे लास्ट वाला नल हमारा रहेगा, क्योंकि तो आगे चल के नल सी भी आ सकता है, बी भी रहेगा। तो सबसे लास्ट वाला जो समय रहता है उसमें आपको ये टाइम क्या करना होगा, प्लस करना होगा। क्लियर है बेटे, इसका ऑप्शन हो गया हमारा
सी ऑप्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए को सुबह 7 बजे चलाया जाता है और पाइप बी को 9 बजे खोला जाता है, तो बताना है कि टंकी कितने बजे भर जाएगी। फिर से सेम क्वेश्चन हमने लिया है, ऑप्शन आपके सामने है 12, 11:48, 12:30 या 12:36। बनाइए इसका क्या आंसर बनेगा। तो बेटे क्या दे रखा था, पाइप ए भरता है 8 में और बी भरता है 12 में, तो 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आएगा 24, जो टंकी की क्षमता को बता के चलता है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, 12 दुनी 24, तो नल ए की क्षमता 3 है और नल बी की कितनी है 2। अब टाइम की बात करेंगे, पाइप ए को सुबह 7 बजे चलाना है और पाइप बी को 9 बजे। पाइप ए को बेटे 7 बजे और पाइप बी को 9 बजे, तो हमारा जो नल ए है बी की तुलना में 2 घंटे पहले चला है। अगर 2 घंटे पहले चला है तो 2 घंटे उसने पानी भी आया होगा उससे, तो नल ए का 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि तो नल ए बी से 2 घंटे पहले चला है, बेटे उसने 2 घंटे में पानी भी तो भरा होगा, तो नल ए की क्षमता 3 है 1 घंटे की, तो 2 घंटे की कितनी हो जाएगी 6, तो माइनस कर लेंगे तो टंकी कितनी खाली है फिलहाल 18, कि टंकी को भरने के लिए 18 इकाई पानी और चाहिए। अब घड़ी में टाइम कितना हो जाएगा, अब 9 बज जाएंगे क्योंकि तो आपने 2 घंटे का काम निकाल दिया। अब दोनों नल एक साथ हो जाएंगे फिर तो दोनों की क्षमता 5, बेटे टाइम निकालेंगे इस समय तो 18 बटे में 5, 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, 3 बचेगा बेटे डिवाइड में 5 अवर, 3 सही 3/5। अब इसकी मिनट बना लेंगे तो इनटू में कितना जाएगा 60, 5 से डिवाइड 12, कितना हो जाएगा बेटे 3 घंटे 36 मिनट। जो हमारा ये आगे वाला 3 होता है, सही वाला जो है ये अवर में आगे है तो पहले ही, लेकिन फ्रैक्शन को हम मिनट में चेंज कर लेंगे, 3/5 गुना में 60, जो कितना बनेगा 36 मिनट। और मैंने बताया था आपको लास्ट वाले टाइम में इसको जोड़ना है, तो लास्ट का टाइम कितना था बेटे 9, 9 में जोड़ेंगे 3 घंटे 36 मिनट, कितना हो जाएगा 12:36। 12:36 पे हमारी टंकी कंप्लीट फिल हो जाएगी, तो बेटे ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो नल जितने पहले चलेगा उसका आप उतने घंटे का काम निकाल देंगे कि उतने घंटे में उसने कितना पानी दिया है, तो उसका निकाल के क्या कर लेंगे माइनस, शेष आ जाएगा, फिर हमारा टाइम सेम हो जाता है और सेम हो जाएगा तो सारे नल एक साथ आ जाएंगे, जब एक साथ आएंगे तो क्षमता प्लस हो जाएगी, तो टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे अब भाग कर देंगे, तो हमारा टाइम अवर और मिनट में आ गया। अब आपको इसे ऐड करना होगा लास्ट वाले टाइम में, ए और बी में लास्ट में कौन चला था बी 9 बजे, तो 9 में प्लस कर देंगे, अवर में अवर प्लस होंगे, मिनट में मिनट प्लस होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, पाइप ए बी और सी, बेटे अब की बार 3 पाइप हैं, एक टैंक को क्रम से 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, 30, 40, 60। पाइप ए बी सी को सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, ए को चलाना है बेटे 7 बजे, बी को चलाना है 8 बजे और सी को चलाना है 10 बजे, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, फिर से आपको यही निकालना है
कि कितने बजे आपकी टंकी कंप्लीट फिल हो जाएगी। तो बेटे इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस आपके नल जो है उनकी संख्या 3 कर दी। तो पाइप ए भरता है 30 घंटे में, बी भरता है 40 में और सी भरता है 60 में। तीनों पाइप ही भरने वाले हैं। बेटे एलसीएम की बात करेंगे 120 आ जाएगा, 30 से भाग करेंगे 4, 40 से 3 और 60 से भाग करेंगे तो 2। तो पाइप ए की क्षमता 3 है, पाइप ए की 4 है, बी की 3 है और सी की 2। अब हम बात करेंगे टाइम की। जो नल ए है इसको चलाना है 7 बजे, बेटे बी को चलाना है 8 बजे और सी को चलाना है 10 बजे, 7, 8, 10। तो सबसे पहले कौन सा चलेगा? ए। सबसे पहले कौन सा चलेगा? ए। और सबसे लास्ट में कौन चलेगा? सी। तो पहला नल ए सी से कितने घंटे पहले चला? 3 घंटे पहले चला। ये जो नल ए है सी से 3 घंटे पहले चलता है, तो बेटे नल ए का 3 घंटे का काम निकालना होगा, 12 हो जाएगा। नल ए का 3 घंटे का काम 12 हो गया। तो बेटे 12 माइनस कर लो इसमें से, कितना बचेगा? 108। अब मैं बात कर रहा हूं नल बी की। नल बी वह भी तो सी से पहले चला है, जैसे बेटे नल ए सी से पहले चला है उसी प्रकार हमारा नल बी वह भी तो सी से पहले चल रहा है। कितने घंटे पहले चल रहा है बेटे? 2 घंटे पहले। तो बी का 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 6। तो बेटे 6 और कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 102। नल ए सी से 3 घंटे पहले चला है, तो आपको ए का 3 घंटे का काम निकाल के माइनस करना होगा। उसी प्रकार हमारा नल बी सी से 2 घंटे पहले चला है, तो हमें बी का 2 घंटे का काम निकाल के माइनस करना होगा। हमेशा जब तुलना करते हो तो लास्ट वाले से करनी है, इस बात का ध्यान रखना जो सबसे लास्ट में चलता है। तो कितना हो गया? 102। ये तो खाली पार्ट है हमारा टंकी का। अब बेटा तीनों नल एक साथ आ जाएंगे तो तीनों की क्षमता क्या बनेगी? ए प्लस बी प्लस सी, 4 + 3 + 2, तीनों की क्षमता बेटा 9 हो जाएगी। अब समय निकालेंगे टाइम, तो 102 बटे में 9 आएगा, 3 से डिवाइड 3 पे और 3 से डिवाइड बेटे 34 पे। अब 3 से भाग करेंगे 11 * 33, 11 सही 1/3। इसकी बेटे मिनट बना लेंगे, तो बेटे 11 घंटे 20 मिनट, टंकी को भरने में अभी 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अब बेटे इसको जोड़ देंगे लास्ट वाले टाइम में, सबसे लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 20। और 21 का अर्थ क्या हो गया? पीएम में पहुंच गया, क्योंकि 12 के बाद बेटे 13 होता है, लेकिन घड़ी में कितना होता है? 1 होता है। तो 12 से कितना ज्यादा हो गया? अब ये 9, तो 9 बजकर 20। टाइम कौन सा होगा? पीएम। तो हमारा बेटे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पता है दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी 12 के बाद 1 को बताती है। जो दोपहर का 1 होता है वह एक्चुअल में कितना होता है? 13 होता है। तो ये 21 बन रहा है, तो 12 और 9 21 बेटे शाम के रात के आपके 9 बजकर 20 मिनट पे टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए। और पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रम से 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए 15, B 30 और C 40 में। पाइप ए बी सी क्रम से सुबह 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे एक ही दिन खोले जाते हैं,
तो कितने बजे टैंक पूरा भर जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, तीनों नल दे रखे बेटे ए बी सी, पहला 6 बजे चलेगा, दूसरा चलेगा 8 बजे और तीसरा चलेगा 10 बजे। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3:20, 11:20, 7:20 या फिर 5:20। तो 15:30:40 ए भरता है 15 में, बी भरता है 30 में और सी भरता है 40। 15:30:40 तो बेटे तीनों का एलसीएम 120 रहेगा। 15:30:40 का एलसीएम 120, तो 15 से भाग करेंगे 15 × 8 = 120, 30 से भाग करेंगे 4, 40 से भाग करेंगे 3 और तीनों ही टंकी को भरते हैं तो तीनों की क्षमता प्लस में आएगी। अब कंडीशन बेटे, ए को चलाना है सुबह 6 बजे, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे, और मैंने बताया था हम जो तुलना करते हैं सबसे लास्ट वाले नल से करते हैं, सी से करेंगे। तो हमारा नल ए सी की तुलना में कितने घंटे पहले चल रहा है? 4 घंटे, क्योंकि ए 6 बजे चलेगा और सी वाला 10 बजे, तो बेटे 4 घंटे का काम 32 हो जाएगा, क्योंकि ए की क्षमता 8 है तो 4 घंटे का काम कितना हो गया 32। तो 32 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 88। उसी प्रकार बेटे हमारा नल बी सी से 2 घंटे पहले चल रहा है, ए तो चला है 4 घंटे पहले और बी चला है 2 घंटे पहले, तो बी का 2 घंटे का काम 8 आएगा, बी का 2 घंटे का काम 8, तो यहां से 8 और कम हो जाएगा कितना बचेगा 80। नल ए 4 घंटे पहले चला है तो 4 घंटे का काम निकाल के माइनस, नल बी सी से 2 घंटे पहले चला है 2 घंटे का काम निकाल के माइनस, तो लास्ट में कितना बच गया 80, कि 80 हिस्सा भी खाली है। अब टाइम निकाल देंगे समय, कितना समय लगेगा, तो 80 के बटे में कितना आएगा तीनों की क्षमता 8 × 4 = 12 और 3 = 15, बटे 5 से डिवाइड 16/3, 16×5 = 80 हो जाएगा 5 से 3 पे, तो 3 से भाग करेंगे 3×5 = 15, 5 सही 1/3 घंटे। इसकी बेटे मिनट बनाएंगे तो 3 से डिवाइड हो गया 3 से डिवाइड बेटे 20 पे, कितना होगा 5 घंटे 20 मिनट। कि टंकी को भरने में अभी कितना समय और लगना है 5 घंटे 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन घड़ी में उस टाइम कितने बज रहे होंगे, तो लास्ट वाला टाइम कितना था बेटे 10 बजे, 10 को और जोड़ देंगे इसमें तो 10 और 5 = 15 = 20। अब 15 12 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 20 पे, तो हमारा बेटे ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ध्यान रखना अगर आपका टाइम 12 से ज्यादा आता है, 13 14 15 में आता है, तो उसका अर्थ हो जाता है कि हमारा टाइम पीएम में पहुंच चुका है, और 12 से जितना ज्यादा है 3 घंटे ज्यादा है तो 3:20 पीएम, ये हमारा क्या होगा बेटे आंसर होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कितना आया था 5:20 को टिक मत कर देना कभी, क्योंकि 5 घंटे 20 मिनट टंकी को भरने में और लगेंगे, घड़ी का टाइम बताना है तो 10 के बाद उसमें हम 5 घंटे और जोड़ेंगे। आगे देखिए और अगला क्वेश्चन बेटे, 2 पाइप एक टैंक को पानी से क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, ए 15 में B 12 में, और एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। बेटा ध्यान रखना अब की बार तीसरा नल खाली करने का काम करता है, यदि पाइप क्रम से 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोले जाते हैं
तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना इस वर्ड पे कि अब की बार टैंक को खाली करना है, इसका आप ध्यान रखोगे। तो बेटे अब की बार हमने ए बी के साथ एक तीसरा नल जो सी लिया है वो खाली करने का काम करता है, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो पाइप ए भरता है 15 में, पाइप बी 12 में और सी खाली करता है 4 में। तो खाली करता है तो नेगेटिव माइनस में होगा। 15 12 4 का एलसीएम बेटे, एलसीएम कितना जाएगा 60। तो 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 4 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। नल ए की क्षमता भरने की बेटे 4 है, नल बी की क्षमता 5 है और नल सी की खाली करने की क्षमता 15 है। ध्यान रखना, खाली करने की क्षमता 15 है और क्षमता खाली करने की तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब हम टाइम की बात करेंगे। ए चलेगा 8 बजे, बी चलेगा 9 बजे और सी चलेगा 11 बजे। पहले वाला 8, दूसरे वाला 9 और तीसरे वाला 11। तो आपको देखना है कि हमारा जो ए नल है लास्ट वाले से कितने घंटे पहले चला है। हमारा नल लास्ट वाले से 3 घंटे पहले चला है। तो बेटे नल ए 3 घंटे में कितना पानी भरेगा, 12 है। कितना भर देगा, 12 है। उसी प्रकार बी की बात करूंगा, बी सी से 2 घंटे पहले चला है तो 2 घंटे का काम 10 हो जाएगा। क्लियर। अब बेटे आपको ध्यान देना है, मैंने लास्ट में क्या बोला है, टंकी को खाली करना है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, टंकी में टोटल पानी कितना आता है, 60 पानी आता है। 60 में से हमने कितनी भर दी, 22 भर दी। टोटल 60 आता है, 60 में से 22 हमने भर दी तो खाली कितनी बची, 38। लेकिन मैंने आपसे ये बोला है, समझो दोबारा से, इसमें टोटल 60 आता है, टोटल कितना 60, इसमें ये हिस्सा मान लिया पानी से भर चुका है तो भरे हुए में कितना है, 22। तो खाली कितना रह गया, 38। 38 खाली रह गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं आपको ये खाली करनी है तो कितना पानी बाहर निकालोगे इसमें से, बताओ, 22 निकालेंगे क्योंकि 22 ही तो पानी है, खाली करेंगे तो 22 ही तो निकलेगा। तो इसमें जो काम है वो 22 रहेगा ना कि 38 रहेगा। अगर भरनी पड़ेगी तो फिर हम 38 को भरेंगे। तो भरा किसे जाता है, जो खाली हो, और खाली किसे किया जाता है, जो भरा हुआ हो। तो भरा हुआ हिस्सा इसमें 22 है जिसको आप खाली करने वाले हो। अब बेटे तीनों नल एक साथ चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी 4 जमा 5 माइनस 15, क्योंकि सी माइनस में आएगा, खाली करता है। तो बेटे 4 और 5 9, 9 माइनस 15 तो माइनस का 6 बचेगा और माइनस 6 का अर्थ क्या है, खाली करना है। तो टाइम निकाल देंगे समय, तो बेटे 22 के बटे में कितना आ जाएगा, 6, 2 से डिवाइड, 11 बटे में 3 और 3 से भाग करेंगे, 3 3 9 कितना बचेगा, 2 और लास्ट में नीचे 3। तो 3 सही 2 बटे 3 घंटे लगेंगे। इसकी बेटे मिनट बनाएंगे, बेटे मिनट बनाएंगे तो इनटू में आ जाएगा 60, 3 से कट गया 30, तो 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। टंकी को खाली करने में 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे, लेकिन घड़ी का टाइम आपको बताना है। तो लास्ट वाला टाइम क्या था, 11, 11 को बेटे जोड़ देंगे इसमें, 11 और 3 14, 40
कितना हो गया 14:40, तो 12 से कितना ज्यादा है 2, तो बेटे 2:40, तो उस टाइम घड़ी में कितने बज रहे होंगे बेटे, 2:40 का टाइम हो रहा होगा। क्लियर है बेटे? फिर से कह रहा हूं आपको, थोड़ा इस बात पे ध्यान जरूर रखना है जो मैंने यहां पे ये बताया है। अब की बार मैंने 38 को नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है फिर से थोड़ा समझो। इसमें तीन नल हैं, ए भरने का काम करता है, बी खाली करने का काम करता है, और सी सॉरी बी भरने का करता है और सी खाली करने का। एक छोटा सा एग्जांपल, एबीसी पे जाओ मत, मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास एक टंकी है, इस टंकी में टोटल पानी आता है 100 लीटर, कितना आता बेटे 100 लीटर। और मैं आपसे कह रहा हूं इसमें फिलहाल जो पानी है वो 40 लीटर है, कितना है 40। और मैं आपसे कहने लगूं बेटे मुझे ये खाली करनी है, बिल्कुल खाली करनी है, तो मुझे बताओ इसमें से कितना पानी बाहर निकालना पड़ेगा, 40 निकालना पड़ेगा, तो यही काम तो खाली करना होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं बेटे मुझे इसको तो भरना है, तो मुझे इसमें कितना पानी और डालना पड़ेगा, 60 डालना पड़ेगा। तो यही इसमें पॉइंट है, यदि खाली करना है तो आपको देखना होगा हमने उसमें कितना पानी डाल दिया, उसको बाहर निकालना है। यदि आपसे मैं कहूं भरना है तो फिर आपको यह भी देखना होगा कि टंकी कितनी और खाली बची है, ये पॉइंट था इसमें। तो नल ए भरने का काम करता है, नल ए को 3 घंटे पहले चलाया तो उसने 12 इकाई पानी भर दिया, बी को चलाया 2 घंटे पहले तो बी ने 10 इकाई पानी भर दिया, तो फिलहाल उस टंकी में कितना पानी पहुंच चुका है, 22 इकाई पानी पहुंच चुका है। अब आपको खाली करना है तो आप 22 को ही तो खाली करोगे जो आपने भरा है उसमें, और तीनों नल को एक साथ चलाना है। एक साथ क्यों है, क्योंकि टाइम 11 बज चुके हैं घड़ी में, और 11 बजे तीनों हमारे एक साथ चलेंगे। जब एक साथ चलेंगे तो 4 जमा 5 माइनस 15, माइनस क्यों, क्योंकि खाली करता है ये, तो 4 और 5 9 माइनस 15, माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का अर्थ ये है टंकी खाली होगी। अब टाइम निकालेंगे, खाली करना है तो कितना हिस्सा भरा हुआ है, 22/6 ये आएगा बेटे। अगर ये जो क्षमता है ये प्लस में बचती तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता टंकी कब भरेगी, माइनस में बच रही है तो पूछ रहा है कि कब खाली हो, ये क्वेश्चन हमारा इसी से चल रहा है। जब तीनों की क्षमता को देखा जाता है, अगर वो प्लस में आती है तो आपसे पूछा जाएगा टंकी कब भरेगी, अगर ये क्षमता माइनस में आती है निकल के तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कब खाली होगी। खाली होगी तो ये वाला टाइम लेना है, भरेगी तो अंतर लेते 38 को। तो बेटे ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन 2:40। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। पाइप ए और बी एक टैंक को 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, ए 1 घंटे में और बी 2 घंटे में। पाइप सी खाली करने का काम करता है 1 घंटे 15 मिनट में। ए और सी को सुबह 9 बजे चला दिया जाता है कि भरने वाला नल ए को चला देते हैं, साथ में उसके खाली करने वाला नल सी को भी चला दिया जाता है, कितने बजे बेटे 9 बजे। उसके बाद 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया जाता है, क्योंकि तो हमने एसी को चला रखा था, एसी में से ए को बंद कर देना है और उसकी जगह बी को चालू करना है, ए बंद करना है बी चालू करना है, तो बताना है कि टैंक कब खाली किया जाएगा, कि टैंक कब आपका खाली होगा। ऑप्शन आपके सामने है 12:10, 11:30, 10:30 और लास्ट ऑप्शन है 12:20। बड़े ध्यान से समझना है, कितने पाइप है, 3 ए बी और सी। पाइप ए 1 घंटे में भरता है, बी 2 घंटे में भरता है और सी खाली करता है, तो माइनस में आएगा 1 घंटे 15 मिनट। तो
बेटा ये हो जाएगा हमारा एक सही 15/60, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे 15 मिनट को एक सही 15/60 मिनट को अवर में चेंज कर लेंगे, तो कितना आएगा 1/4, तो कितना बनेगा 4 × 4 और 1 5/4, कितना बन जाएगा बेटे 5/4 अवर, तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5/4। तो ध्यान रखना जितने घंटे होते हैं उनको आगे लिखते हैं, मिनट दे रखा है, अवर में चेंज करेंगे, बटे में साइट आ जाएगा। तो बेटे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना होगा 1 का 2 का और 5 का, इस 4 का कोई काम नहीं है एलसीएम लेने में, तो हमारा कितना जाएगा 10। तो बेटे 1 से भाग करेंगे 10, 2 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 2, गुना में हो जाएगा बेटे 4, तो ये बटे का 4 था, गुना में हो जाएगा 4 × 8। ये हमारी ए बी सी की क्षमता होगी, और सी खाली करता है तो बेटे ये जो 8 है हमारा माइनस में आएगा। अब हम टाइम की बात करेंगे, सुबह चलाना है 9 बजे ए और सी दोनों को, ए सी का टाइम बेटे फिक्स है 9 बजे चलेंगे दोनों एक साथ, और बी चलेगा 2 घंटे बाद, तो हमने ए और सी को एक साथ चलाएंगे तो ए प्लस सी कितना आएगा बताना एक बार। तो बेटे ए का मान 10, सी का मान -8, कितना हो गया 2। ए और सी की क्षमता मिलके कितनी आई 2, और ये चले 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में कितना पानी देंगे फिर 4, 2 घंटे में कितना पानी पहुंच जाएगा 4। अब देखो क्या पूछा है, खाली, अब आपको ये 4 खाली भी करना है, अभी तक तो भरा था, अब आपको ये 4 खाली करना है। खाली कैसे करना है कि ए को तो बंद कर दो, ए को तो बंद कर दो, उसकी जगह बी को चला दो, इट मींस बी प्लस सी की बात कर रहा है, ए बंद हो गया लेकिन सी को बंद नहीं करना है, सी के साथ बी को चला दिया, तो बी का मान बताओ बेटे 5 और सी का मान -8, कितना आया -3, माइनस में आया, तो इसका अर्थ खाली करना है। तो टाइम निकालेंगे तो 4/3, क्योंकि तो टंकी में कितना पानी है 4 ही तो है, इसी को खाली करना है, तो 4/3 कितना हो जाएगा 1 सही 1/3, मिनट बनाएंगे 60, कितना आएगा 20, तो 1 घंटा 20 मिनट। अब घड़ी का टाइम बताओ, तो उस टाइम घड़ी में कितने बज रहे होंगे, ए और सी को कब चलाया था 9 बजे, 2 घंटे बाद बी चल गया तो 11 बज गए, जब यहां पे चेंजिंग करी 2 घंटे बाद हुई चेंज, तो 9 में 2 जोड़ के 11 हो गया। अब 11 में 1 घंटे 20 मिनट और जोड़ेंगे तो 12:20, तो बेटा हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 12:20, है ना, तो 12:20 इसका आंसर होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, ए और सी को 9 बजे चलाया है तो घड़ी का टाइम 9 बज गए, 2 घंटे बाद बी को चलाना है, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 बज चुके हैं, 11 बजने के बाद 1 घंटा 20 मिनट और लगते हैं, तो कितना हो जाएगा 12:20 PM। ये क्लियर है ये वाला पार्ट, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, बहुत ही आराम से मैंने आपको उसको बताया है, कोई डाउट हो, उम्मीद है बेटे कोई डाउट नहीं होगा, अगर लगता है तो एक बार वीडियो का रिवर्स भी कर सकते हो, दोबारा समझ के देखना कि क्या बताया है मैंने इसमें आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2 पाइप A और B 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ए 15 में दूसरा 12 में, और सी इसको खाली कर देता है 4 घंटे में। यदि सभी तीनों पाइप सुबह 9 बजे 10 बजे और 12 बजे खुले हैं, 9, 10, 12 PM में आएगा, ठीक है ना, एम नहीं पीएम होगा, ये यहाँ पे सुबह नहीं आएगा 12 आएगा, तो किस समय टंकी खाली होगी। अब देखो फिर से मैंने पूछा है खाली होगी, खाली होगी तो आपको ध्यान रखना है हमने कितना भरा है पहले, उसमें जो भरा है उसी को बाहर निकालना है,
ऑप्शन आपके सामने है बेटे। तो पाइप ए 15 में, पाइप बी 12 में और सी खाली करता है इसको 4 घंटे में, सी खाली करता है 4 घंटे में, तो माइनस में आएगा। बेटे एलसीएम की बात करेंगे, 60 हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे 4, 12 से 5 और 4 से भाग करेंगे 15। अब ए को चलाना है 9 बजे, ए को बेटे 9 बजे, बी को 10 बजे और सी को 12 बजे। तो सबसे पहले नल ए चला ए और सबसे लास्ट में कौन सा चला है सी। तो बेटे दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में अंतर है बेटे 3 घंटे का, कि पाइप ए सी की तुलना में 3 घंटे पहले चला है। तो नल ए का 3 घंटे का काम 12 आएगा, नल ए का 3 घंटे का काम 12 आएगा। बी की बात करते हैं, बी चला है 2 घंटे पहले, तो बेटे बी का 2 घंटे का काम 10 हो गया। नल ए 3 घंटे पहले चला है और नल बी 2 घंटे पहले, तो नल ए ने भर दिया 12, बी ने भर दिया 10, तो टोटल पानी कितना हो गया टंकी में 22 हो गया, कि टंकी में टोटल पानी है 22। अब आपको इसको खाली करना है, भरवा तो हमने लिया, अब खाली भी करो। खाली करवाएंगे तो तीनों नल एक साथ चलेंगे, तो 4 जमा 5 माइनस 15, तो 5 और 4 9 होगा, माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 6। जब ये माइनस में आएगा उसका अर्थ है खाली करनी है, और जब ये प्लस में बचेगा इसका अर्थ है भरनी है। टाइम निकाल देंगे, 22 बटे में 2 से डिवाइड कर लेंगे बेटे, 11 बटे 3 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 सही 2 बटे 3 घंटे। इसकी मिनट बना लेंगे, इनटू में 60 आएगा, 3 से 20 कितना होगा बेटे 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। अब लास्ट का टाइम कितना था 12, कि तीनों नल कब चले थे 12 बजे चले थे, 12 में के बाद 3 घंटे 40 मिनट को जोड़ेंगे तो 3:40 ही आएगा आपका, तो सी ऑप्शन बेटे क्या होगा सही होगा। तो 12 और 3 15 होता है, 15 को फिर से आप 3 बोलोगे तो 3:40 पर आपकी टंकी खाली हो जाएगी। अगेन ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन कहता है टंकी को खाली करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमने टंकी में पानी कितना भरा है, जो आपने पानी भरा है उसी को आप खाली करोगे। क्लियर, जब मैं आपसे पूछूंगा इसको भरना है तब आप इन दोनों का अंतर लोगे, फिर जो अंतर आएगा वो खाली हिस्सा रहता है उसको आप भरना पड़ेगा आपको। बड़े इसका टाइम कितना आया 3:40, क्लियर है। तो बेटे वीडियो कंप्लीट है, आज की इस क्लास में हमने सारे ही क्वेश्चन टाइम वाले किए हैं, कि नल ए को इतने बजे चलाया जाता है, नल बी को इतने बजे चलाया जाता है, उनके टाइमिंग का गैप होता है, तो उसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि टंकी या तो कब भरेगी या फिर कितने बजे खाली होगी। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा बेटे वीडियो को अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।